गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। और आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ हेयर फॉल के बारे में। अगर आप उनमें से हैं जिनके बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं और भी समस्याएं आपके बालों में हैं और आप बहुत कुछ ट्राई करके थक चुके हैं बट आपको समझ नहीं आ रहा कि किस तरीके से बालों की देखभाल की जाए ताकि आपके बाल टूटना झड़ना रुक जाए, तो इस वीडियो में मैं आपके साथ 5 स्टेप्स शेयर करने वाली हूँ जो मैंने खुद आजमाए हैं। मेरे बाल भी बहुत ही ज़्यादा फ्रिजी ड्राई रहने लग गए थे, बहुत ही झड़ते थे, और ये 5 स्टेप रूटीन मैंने फॉलो की है और उसके बाद मेरे बालों का झड़ना बहुत हद तक कम हुआ है। बाल बहुत ही ज़्यादा सुंदर हुए हैं, सिल्की हुए हैं एंड लंबे भी हुए हैं। तो ये 5 स्टेप कौन से हैं मैं आपको बताती हूँ। आप देखिएगा कि इन 5 स्टेप में से कौन सा एक स्टेप जो है, कोई भी स्टेप आप मिस करते हैं और यही कारण हो सकता है कि आपका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है और वो स्टॉप नहीं हो रहा है। बट उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर देना। लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टेप नंबर 1 की बात करें तो वो है आपका खाना। आप कई बार परेशान होते हो कि यार हमारी दादी नानी उनके बाल अभी तक इतने लंबे हैं, और आप पुराने लोगों के फोटोग्राफ्स देखते हैं तो सब औरतों के बाल इतने लंबे मोटे और घने होते हैं, तो क्या रीज़न है? तो उनका रीज़न यही है कि वो लोग ऑर्गेनिक खाना खाते थे, शुद्ध खाना खाते थे, सात्विक खाना खाते थे। उनके खानों में केमिकल्स नहीं होता था, वो लोग फास्ट फूड जंक फूड नहीं कंज्यूम करते थे, और हम लोग बचपन से ही जंक फूड खा के ही बड़े हुए हैं। तो अगर आपके खाने में आयरन की कमी है, विटामिन B12 की कमी है, डी की कमी है, अदर मिनरल्स की कमी है, तो आपके बाल झड़ना शुरू हो जाएंगे और वो तब तक नहीं रुकेंगे जब तक आप प्रॉपर न्यूट्रिशन फूड खाना नहीं शुरू करोगे। तो कौन से वो फूड हैं जो आपको अपने खाने में ज़रूर इंक्लूड करने चाहिए? तो सबसे पहले नट्स आपको ज़रूर अपने डेली रूटीन में इंक्लूड करने चाहिए। उसके साथ योगर्ट, कर्ड आपको खाना चाहिए, डेयरी प्रोडक्ट्स आपको इंक्लूड करने चाहिए, जितनी भी लीफी वेजिटेबल्स हैं वो सब आपको इंक्लूड करने चाहिए। फ्रूट्स की बात करें तो सभी फ्रूट्स हेल्दी होते हैं, तो आपको फ्रूट, जो भी फ्रूट आपको मिलता है, सीजनल फ्रूट होते हैं, वो आपको इंक्लूड करने चाहिए। आपको गुआवा खाना चाहिए, बेरीज आपको इंक्लूड करनी चाहिए, एप्पल आपको खाना चाहिए। नॉन वेज की बात करें तो आप हेल्दी मीट खा सकते हैं एंड एग्स आपको अपनी रूटीन में ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। अब आते हैं सेकेंड स्टेप पे, वो है आपका शैम्पू। आप कौन सा शैम्पू यूज़ कर रहे हैं? शैम्पू यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको अपने हेयर टाइप देखनी है, आपके बाल किस तरीके के हैं। अगर आपके बाल स्ट्रेट हैं तो आपको कौन सा शैम्पू इंक्लूड करना चाहिए, अगर आपके बाल वेवी हैं तो आपको कौन सा शैम्पू लगाना चाहिए। बाजार में इतने सारे शैम्पू चले हैं और उनमें भर भर के केमिकल हैं, हम वो केमिकल्स अपने बालों पे लगाते हैं और फिर बोलते हैं कि यार हमने तो इतना महंगा शैम्पू लगाया है फिर भी मेरे बाल इतने ज़्यादा क्यों झड़ रहे हैं? क्योंकि वो शैम्पू आपके हेयर टाइप का नहीं है और आप उसे कब से लगा रहे हैं बट फिर भी वो आपको सही फ़ायदा नहीं पहुँचा पाएगा क्योंकि वो आपके हेयर टाइप का नहीं बना है। सो अगर आपके बाल नॉर्मल हैं, स्ट्रेट है, तो आप जेंटल शैम्पू इस्तेमाल कर सकते हैं, आप हर्बल क्लिंजर इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी अच्छी कंपनी का। अगर आपके बाल कर्ली हैं तो आप फ्रिज कंट्रोल शैम्पू इंक्लूड कर सकते हैं अपनी रूटीन में, और अगर आपके बाल ड्राई हैं तो आप ड्राईनेस स्मूदनिंग शैम्पू यूज़ करें, और अगर आपके बालों पर बहुत ज़्यादा स्टाइलिंग है, आपने कलर किया हुआ है, तो आप अमीनो एसिड से भरपूर शैम्पू इस्तेमाल करें। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप ऐसा शैम्पू यूज़ करें जिसमें पैराबिन ना हो, SLS ना हो और सल्फेट ना हो। बहुत सारे शैम्पू में भर भर के केमिकल होते हैं, तो जब भी आप शैम्पू खरीदने जाएं तो पीछे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आप पढ़ लें और हमेशा एक अच्छा नेचुरल शैम्पू इंक्लूड करें अपनी रूटीन में। थर्ड स्टेप है कंडीशनिंग। आप कौन सा कंडीशनर यूज़ कर रहे हैं? आप कम मात्रा में कंडीशनर यूज़ कर रहे हैं या फिर आप एक्सेस कंडीशनिंग कर रहे हैं जिसकी वजह से आपके बाल झड़ रहे हैं, टूट रहे हैं और आपको फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है? सो अगर आपके बाल ड्राई हैं, फ्रिजी हैं, तो सिर्फ बाजार का कंडीशनर काम नहीं करेगा, आपको अपनी डेली रूटीन में हेयर पैक्स लगाने पड़ेंगे, हेयर मास्क भी यूज़ करने पड़ेंगे। घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे आप हेयर पैक और हेयर मास्क बना सकते हैं और वो आपको अच्छी कंडीशनिंग प्रोवाइड करेगा। सबसे अच्छा कंडीशनर तो यही है कि आप एलोवेरा में विटामिन ई मिक्स करें और उसे अपने बालों पर लगाएं।
आप 30 मिनट उसको लगाएंगे एंड उसके बाद आप बाल धो सकते हैं। उसके साथ साथ आप दही भी अपने बालों पे लगा सकते हैं, बहुत अच्छी कंडीशनिंग प्रोवाइड करता है। आप बनाना के हेयर पैक इंक्लूड कर सकते हैं, मैंने कुछ हेयर पैक्स अपने वीडियोस में शेयर किए हुए हैं, आप वो हेयर पैक भी यूज़ कर सकते हैं। तो रेगुलर हफ्ते में एक बार या दो बार अगर आप घर पर होम मेड हेयर मास्क अप्लाई करना शुरू करेंगे तो बहुत अच्छा चेंज आपको अपने बालों में देखने को मिलेगा। फोर्थ स्टेप की बात करें तो वो है ऑयलिंग। कई लोग ऑयलिंग को अच्छा नहीं मानते, बोलते हैं कि ऑयलिंग करने से कुछ नहीं होता, बट आप देखिए जब आपके बाल आपकी दादी या नानी संवारती थी तब आपके बाल कितने अच्छे थे। जब मैं स्कूल जाती थी तो मम्मी सर में सरसों का तेल लगा के भेजती थी एंड बाल जो है वो कमर से भी नीचे आते थे, क्योंकि ऑयलिंग से उनको प्रोटेक्शन मिलती थी। और हमें तो स्कूल में ऐसे बाल लेके जाना अलाउड ही नहीं था जिनमें ऑयल ना हो। सो ऑयलिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ऑयलिंग करने से आपकी स्कैल्प को नरिशमेंट मिलता है और डैंड्रफ भी कम होता है। बाज़ार में बहुत सारे ऑयल चले हैं, तो आप अपने कंडीशन को देखते हो कि कौन सी प्रॉब्लम है आपको, उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए आप ऑयल मंगवा सकते हैं। मेरे पर्सनल फेवरेट होम्योपैथिक ऑयल है, मैं होम्योपैथिक ऑयल यूज़ करना पसंद करती हूँ, क्योंकि होम्योपैथिक ऑयल जड़ से प्रॉब्लम को ख़त्म करने का काम करते हैं। पहले बहुत ज़्यादा डैंड्रफ होता था तो मैं जबरोंडी का ऑयल लगाती थी जिससे बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिले हैं। और भी बहुत सारे ऑयल होम्योपैथिक के आते हैं, अर्निका प्लस आता है, बट अगर आप होम्योपैथिक नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो नारियल तेल से कुछ भी अच्छा नहीं है। आप अपने बालों पर नारियल तेल से भी चमड़ी कर सकते हैं। रात को तेल को थोड़ा सा गर्म करके आपने लगाना है, सारी रात आपने रख देना है एंड फिर नेक्स्ट मॉर्निंग आपने सर धोना है। ऑयलिंग इंक्लूड करने से आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे, मैं इस बात की गारंटी दे रही हूँ, क्योंकि ऑयलिंग सच में एक थेरेपी की तरह काम करता है आपके हेयर फॉल को रोकने में। तो चलिए बात करते हैं फिफ्थ स्टेप की, और फिफ्थ स्टेप है आप खुद, यानी कि आपका स्ट्रेस। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो, आप खुश नहीं रहते हैं, आप तनाव में हैं, एंजाइटी होती है, तो आपके बाल झड़ना नहीं रुकेंगे। अगर आप सारा दिन परेशान रहते हो, टेंशन लेते रहते हो कि ये काम नहीं हुआ वो काम नहीं हुआ, आपके लाइफ में हैप्पीनेस ही नहीं है, तो आप हैप्पी हॉर्मोन्स नहीं प्रोड्यूस करोगे, जिसकी वजह से आपके शरीर की ओवरऑल हेल्थ ठीक रहती है, जिसमें बाल भी आते हैं। तो आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना है, खुश रहना है ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपकी बॉडी भी खुश रहे और जिससे आपके बाल झड़ना कम हो जाएंगे। अगर आपका लाइफस्टाइल ऐसा है कि आप सारा दिन टेंशन में घूमते रहते हैं, कई लोग आपने देखा होगा, पुराने लोग बोलते हैं ना कि अरे यार जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है वो गंजा होता है। भाई वो गंजा इसलिए नहीं हुआ होता क्योंकि उसने पैसा कमाने में इतना ज़्यादा स्ट्रेस लिया है, अपने काम को करने में इतना ज़्यादा स्ट्रेस लिया है कि उसके बालों ने उसका साथ छोड़ दिया। बट अगर आप इन सब चीज़ों से बचना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आप गंजे ना हो, तो आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना पड़ेगा, आपको खुश रहना पड़ेगा। नहीं तो अगर आप खुश नहीं रहेंगे, स्ट्रेस लेंगे, तनाव में जिएंगे, सारा दिन कुछ ना कुछ सोचते रहेंगे, तो आपके बाल झड़ना बंद नहीं होंगे और वो असमय सफ़ेद हो जाएंगे। आप देखो आजकल छोटे छोटे बच्चों के बाल सफ़ेद हो जाते हैं और सब परेशान रहते हैं, क्योंकि बच्चों के सर पे भी इतने ज़्यादा टेंशन्स हैं जिसके वजह से उनके बाल हेल्दी नहीं रह पाते। तो आप इन 5 स्टेप्स को फॉलो कीजिए जिससे आपके बाल टूटना झड़ना बंद हो जाए और हेल्दी नजर आए। अगर वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक कर दीजिएगा एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।